नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं इसी में। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन हम लोग स्टडी कर रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसको पहले। इस क्वेश्चन में कह रहा है देयर इज अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका स्ट्रेंथ हमको ई गिवन है और पेंडुलम कनेक्टेड है, इसका मास गिवन है एम। द बॉब हैज अ मास एम एंड चार्ज क्यू और स्ट्रिंग इनिशियली हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो सिचुएशन दी हुई है ये इनिशियल पोजीशन है जिसमें हम इसको रिलीज कर रहे हैं। तो हमको सबसे पहले निकालना है फाइंड द मैक्सिमम एंगल थीटा नॉट दैट द बॉब स्विंग्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटरली। तो सपोज हमने यहां से इसको रिलीज किया है और अब एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ये थीटा नॉट स्विंग होने के बाद, तो सपोज ये वाला एंगल हम थीटा नॉट ले लें और इस पॉइंट पे ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी पे फिर से ये रेस्ट पे आ रहा है। अब ध्यान से देखना इस बीच में इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे। तो अगर हम इसका एफ बी डी बनाए तो इस बॉब के ऊपर फोर्सेस देखो ध्यान से, एक तो इसके ऊपर एम जी लग रहा है, एम जी हो गया इसके ऊपर नीचे की तरफ, और एक इसके ऊपर क्यू ई लग रहा है इधर की तरफ, और इस पे लग रहा है टेंशन टी। यही तीन फोर्सेस हैं। अब अगर हम वर्कडन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्कडन के पॉइंट ऑफ व्यू से एम जी और क्यू ई का वर्क होगा, टेंशन का कोई भी वर्क नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम इसलिए क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है, एंड वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम ए टू बी। तो देखो कौन कौन से फोर्सेज होंगे, तो ए टू बी के लिए एम जी का वर्क क्यू ई का वर्क। तो देखो एम जी का वर्क कितना होगा, तो एम जी का वर्क हम लोग लिखेंगे एम जी इंटू एम जी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अब ये लेंथ एल है तो एम जी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सीधे सीधे एल साइन थीटा नॉट हो जाएगा। फिर क्यू ई का वर्क अगर देखेंगे तो क्यू ई का वर्क निगेटिव आएगा क्योंकि क्यू ई लग रहा है राइट साइड में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेफ्ट में, और ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी एल माइनस एल कॉस थीटा नॉट, होगी एल माइनस एल कॉस थीटा नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल भी जीरो है और इनिशियल भी जीरो है। तो ये एक्सप्रेशन तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें यहाँ से टेन थीटा नॉट बाई टू की वैल्यू सॉल्व होके आएगी क्यू ई अपॉन एम जी के इक्वल, या थीटा नॉट को हम लोग लिख सकते हैं टू टेन इनवर्स क्यू ई अपॉन एम जी। बताओ पहले फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट है, पार्ट ए में बोलो, पार्ट ए में कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, फिर बी पार्ट में कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द बॉब कम्स टू रेस्ट व्हेन द स्ट्रिंग इज वर्टिकल। तो सीधे सीधे वैल्यू डाल दो कि व्हेन स्ट्रिंग इज वर्टिकल, तो जब स्ट्रिंग वर्टिकल होगी उस वक्त थीटा नॉट की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो टेन 45 की वैल्यू हम लोग सीधे सीधे क्यू ई बाई एम जी के इक्वल कर सकते हैं। तो वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा निकल के वो आ जाएगा एम जी अपॉन क्यू के इक्वल। एम जी अपॉन क्यू के इक्वल, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो, इन अ रीजन ऑफ स्पेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इन द शेप ऑफ
सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट इज ई. पार्टिकल ऑफ मास एम हैविंग चार्ज क्यू इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग दिस फील्ड लाइन. मतलब ऐसा कुछ होगा कि फील्ड लाइन का भी शेप यही है, और सपोज हमने पार्टिकल को एक स्मूथ पाइप है, ठीक है, स्मूथ पाइप के अंदर उसको हमने छोड़ दिया है, तो पार्टिकल इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग दैट लाइन ऑलवेज, ठीक है. तो अब हमें इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है व्हेन इट रीचेस पॉइंट बी. तो इसमें भी हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, एम कॉमा क्यू का ही चार्ज है, किसी भी टाइम पे अगर हम देखें तो इसके ऊपर फोर्सेस कौन से लग रहे होंगे, क्यू ही लग रहा होगा, और इसके ऊपर लग रहा होगा उस पाइप से नॉर्मल फोर्स, मतलब कोई और एक फोर्स जरूर होगा. एन मत लिखो उसको, उसको तुम क्यू लिख दो, एफ लिख दो केवल, कोई एक फोर्स ऐसा जरूर होगा तभी वो सर्कल पे चल पाएगा, ठीक है. तो वो ए से चल के बी तक जाना है उसको. तो यहां से हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम ए टू बी, अगेन यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से चलेंगे तो ये आ जाएगा वर्क डन बाई क्यूई इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. और QE का वर्क डन हो जाएगा सीधे सीधे QE और QE के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि QE हमेशा टेंजेंशियल है. तो अगर टेंजेंशियल है तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज सिंपली 2 पाई आर, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस जीरो, ठीक है ना. तो पाई आर लिखेंगे केवल, हाफ है तो पाई आर. तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी एट बी का वैल्यू हो जाएगा क्यू ई पाई आर. देखो दिस इज फॉर पार्ट ए. पार्ट बी में कह रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट मिड पॉइंट ऑफ द पाथ ए बी. ये देखो ध्यान से, अब जब वो मिड पॉइंट पे होगा यहाँ पे, तो अगेन इसके पास एक वेलोसिटी होगी v इधर की तरफ, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स क्यू ही लग रहा है इधर की तरफ, तो इसके पास at टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है, ठीक है. और क्योंकि सर्कल पे चल रहा है तो इसके पास एक टुवर्ड सेंटर ar भी होगा. तो v कैसे निकालेंगे, तो v निकालने के लिए पहले क्या करो, फिर से हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं पॉइंट ए से पॉइंट सी के लिए. वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम ए टू सी, तो उसके लिए क्यू ई का वर्क डन हो जाएगा क्यू ई इंटू पाई आर बाई टू, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर. हम ले लेते हैं ये सी पॉइंट की वेलोसिटी हो गई, तो यहां से वी सी का वैल्यू मिल जाएगा हमको, या वी सी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा. VC स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा क्यू ई पाई आर अपॉन एम आ जाएगा, देखो ध्यान से, ठीक है. तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू बनेगी क्यू ई बाई एम, और रेडियल एक्सीलरेशन की वैल्यू बनेगी VC स्क्वायर बाई आर. तो ये हो जाएगा क्यू ई पाई बाई एम. तो यहाँ से टोटल एक्सीलरेशन अगर देखें सर्कुलर मोशन में, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस ar स्क्वायर. तो यही आंसर आ जाएगा जो लिखा हुआ है qe बाई m अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है ना. देखो इस क्वेश्चन में बताओ, ये क्लियर है ये वाला क्वेश्चन. इसके पहले वाले में देखो एक बार फिर से देख लो, कुछ लोगों को डाउट है. इसके पहले वाले में वर्क एनर्जी थ्योरम हमने यूज किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी,
हमें वो पॉइंट निकालना था जहां पे दोबारा ये रेस्ट पे आएगा. तो देखो स्टार्टिंग वेलोसिटी भी जीरो है और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है. तो वेलोसिटी की बात कर रहा है यानी कि एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन में से ही कुछ लगाएंगे. वर्क एनर्जी थ्योरम हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि क्यूई का एक्सटर्नल फोर्स है. ठीक है, तो अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं तो वर्क डन बाई एम जी, वर्क डन बाई क्यूई और वर्क डन बाई टेंशन तो जीरो ही हो जाएगा. टेंशन का तो कोई वर्क होगा नहीं, तो बस सीधे सीधे यहाँ पे वर्क डन बाई क्यूई प्लस वर्क डन बाई एम जी प्लस वर्क डन बाई टी इक्वल टू डेल्टा के ही है, जिसमें वर्क डन बाई टी जीरो है और डेल्टा के ही भी जीरो है. अब क्यूई का वर्क डन कैसे लिखेंगे? क्यूई का वर्क डन लिखने के लिए क्यूई का फोर्स किधर लग रहा है? क्यूई का फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स राइट और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट. लेफ्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट है? तो वो है एल माइनस एल कॉस थीटा नॉट. और एम जी के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है? तो वो मैंने जो डॉटेड से दिखाया हुआ है विच इज एल साइन थीटा नॉट. तो बस दोनों की वैल्यू लिखी, थोड़ा सॉल्व करोगे तो टेन थीटा नॉट बाई टू की वैल्यू आ जाएगी. टेन थीटा नॉट बाई टू की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर. ठीक है ना, दोनों ही क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम यूज हुआ है बिकॉज क्यूई इज एक्सटर्नल फोर्स. क्लियर है? सेकेंड वाला भी और देखो. नेक्स्ट वाले में आंसर जो है वो ये है. थर्टी थ्री जो दिया है. निकाला ये किसी ने? ये जो आंसर लिखा हुआ है ये किसी का आ रहा है? देख लो कैसे है. देखो ये कह रहा है कि इनिशियली ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है और हमें उस इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम प्रूफ करना है, या ऐसे कह लो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होने की कंडीशन फाइंड आउट करनी है. तो देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम मैथमेटिकली अगर बोलें तो मैथमेटिकली हम तब बोल सकते हैं जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो मिनिमम हो. और क्योंकि हम लोग तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में लॉजिकली अगर चेक करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम को मतलब ये है कि पार्टिकल को अगर हम उसके इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्प्लेस करें तो वो पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर होना चाहिए. अगर रिस्टोर हो रहा है दैट मीन्स कि वो इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है. तो हम यहाँ भी यही काम करेंगे. हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा इसकी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं. ध्यान से देखो. ठीक है, इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस कर देते हैं. सपोज तो ये वाला एंगल हम अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ये एंगल हो गया थीटा. अब ध्यान से ये देखो कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे. देखना जरा ध्यान से. एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीन फ्रीज हो गई है. अच्छा एक, एक सेकंड एक सेकंड दोबारा करता हूँ. इस पार्टिकल के ऊपर ये प्लस क्यू है और इसको हमने क्या किया है, इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन से हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया है. और डिस्प्लेस करने के बाद मान लेते हैं ये थीटा एंगल इधर चला गया. तो जब ये थीटा एंगल चला गया तो इसके ऊपर ये हो गया इसके ऊपर कूलम्बिक रिपल्शन फोर्स. देखो ध्यान से. ठीक है, अब ध्यान से करो, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये जो नीचे एंगल बन रहा होगा क्या ये वाला एंगल थीटा बाई टू होगा? ये हम लोग ज्योमेट्री से बोल सकते हैं. ठीक है, और ये इसका एक तरह से
ये इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया। और कौन कौन से फोर्स हैं इसके ऊपर, तो एक हो गया ये और दूसरा हो गया इस पे एमजी, एमजी इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये एमजी हो गया। देखो एफ सी की वैल्यू कितनी होगी, अब देखो ये एल है, ये एल है, ये वाला एंगल भी थीटा बाई टू होगा, तो अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये जो आर डिस्टेंस होगा, इस आर डिस्टेंस की वैल्यू बन जाएगी टू एल, टू एल कॉस ऑफ थीटा बाई टू। देखो पहले ये क्लियर है, आर का मतलब है कि प्लस क्यू और कैपिटल क्यू, प्लस स्मॉल क्यू और प्लस कैपिटल क्यू के बीच का डिस्टेंस। अच्छा एम जी इस सेंटर वाली लाइन से कितना एंगल बना रहा होगा, तो ये वाला एंगल थीटा बाई टू है और ये पूरा एंगल, तो ये वाला आधा एंगल भी थीटा बाई टू बनेगा। देखो ध्यान से, तो इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स का एक्सप्रेशन बताओ क्या बनेगा, रीस्टोरिंग फोर्स ये वाला डायरेक्शन, ठीक है, तो ये एंगल होगा थीटा बाई टू, तो एफ रीस्टोरिंग का मतलब होगा एफ सी का साइन थीटा बाई टू, एफ सी साइन थीटा बाई टू एंड माइनस माइनस एम जी का अगर देखें तो एम जी का स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगा एम जी साइन थीटा। ये बताओ पहले यहां तक क्लियर है या नहीं, ये जो लाइन मैंने लिखी है एफ सी साइन थीटा बाई टू और एम जी साइन थीटा, एफ सी साइन थीटा बाई टू इधर की तरफ होगा, एफ सी साइन थीटा बाई टू इधर की तरफ होगा और एम जी साइन थीटा इधर होगा। अब अगर हम चाहते हैं कि ये रीस्टोरिंग फोर्स हो, तो रीस्टोरिंग फोर्स के लिए जो एफ रीस्टोरिंग हमने लिखा है इसको ग्रेटर देन जीरो कर देंगे। अब इसको तुम थोड़ा सॉल्व कर लो, एफ सी की वैल्यू लिखेंगे तो ये आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी फोर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है, और इनटू साइन थीटा बाई टू इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा, तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू रख दो, पुट साइन थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है, और कॉस थीटा बाई टू को हम अप्रोक्सीमेटली वन के इक्वल कर सकते हैं बिकॉज थीटा इज स्मॉल। तुम देखो यहाँ से तुम्हें मिल जाना चाहिए आंसर, 32 आ जाएगा फिगर। क्लियर है, तो यहां से तुम्हें मिलेगा कि कैपिटल क्यू इज ग्रेटर देन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर एमजी अपॉन स्मॉल क्यू। हाँ बोलो, कोई डाउट है तो। कोई डाउट नहीं, ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था।
ये क्वेश्चन था और इसका आंसर ये आ रहा है। नेक्स्ट बताओ। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है टू बॉल्स चार्जेस गिवन है Q1 Q2 इनिशियली हैव अ वेलोसिटी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, दोनों का स्टार्टिंग में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। नाउ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम और इसकी इससे हुआ क्या, फर्स्ट बॉल का वेलोसिटी 60 डिग्री डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड हाफ हो रहा है और सेकंड बॉल के वेलोसिटी में 90 डिग्री का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अगर तुम सपोज एज्यूम करते हो, सपोज बॉल वन इसको हमने वी नॉट वेलोसिटी इधर की तरफ दी और सपोज बॉल टू इसको हमने V नॉट वेलोसिटी इधर की तरफ दी, दोनों बॉल्स का चार्ज अलग अलग है, दोनों का मास भी अलग अलग है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का यूनिफॉर्म है, दोनों को सेम फील्ड में दोनों को फेंका है। तो ये कह रहा है कि पहले वाले बॉल के लिए क्या हुआ ड्यूरिंग दैट टाइम, तो सपोज ये इंस्टेंट टी इक्वल टू जीरो है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा, ये बात तो कन्फर्म है क्योंकि अगर यूनिफॉर्म फील्ड है और फील्ड वेलोसिटी के अलोंग नहीं है तो प्रोजेक्टाइल मोशन यानी पैराबोलिक मोशन होगा या स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का केस तो है नहीं क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब कि प्रोजेक्टाइल ही है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, अभी तो कुछ मालूम नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है, तो अभी कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये केस है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कह रहा है हाफ हो जा रहा है, यानी वेलोसिटी हो गई इसकी वी नॉट बाई टू और इसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कितना घूम जा रहा है, वो घूम जा रहा है 60 डिग्री। देखो ध्यान से, तो देखो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से, सिर्फ पहले वाले पार्टिकल की इंफॉर्मेशन से हम एक बात ये नोटिस कर पाएंगे कि ध्यान से चेक करो तो क्या इसकी वेलोसिटी का अगर हम ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन पैरेलल बनाया हुआ है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, यानी कि वी नॉट का ये वाला कॉस 60 कॉम्पोनेंट इसमें कोई भी चेंज नहीं आया क्योंकि अभी भी इसकी वेलोसिटी का जो ये वाला कॉम्पोनेंट है यानी वी नॉट कॉस 60 ये यही है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा तभी ऐसा होगा। तो ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए हो गया, सेकंड पार्टिकल के लिए उसने बोला कि सेकंड पार्टिकल का जो पाथ है वो 90 डिग्री चेंज हो जा रहा है, तो 90 डिग्री चेंज होने का मतलब है कि वो ऐसा हो गया होगा, ये वाला केस आ गया होगा। तो हमें ये भी पता करना है कि इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आया होगा ड्यूरिंग दैट इंटरवल, ठीक है ना। और इसके लिए भी हम ये बात तो बोल ही सकते हैं कि इस डायरेक्शन में ये वाला जो डायरेक्शन है और इसमें ये वाला जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में इसके वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो ये वाला एंगल हो गया सपोज 60 डिग्री तो ये वाला एंगल आएगा 30 डिग्री। तो हमसे पूछा हुआ है कि उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, स्टार्टिंग वेलोसिटी तो दोनों की सेम ही है तो इसको भी वी नॉट ही ले लेते हैं, वी नॉट ही ले लेते हैं। तो यहां से हम एक बात तो बोल ही सकते हैं कि वी डैश कॉस 30 जो होगा इक्वल बनेगा वी नॉट कॉस 60 के, तो यहाँ से तुम्हें वी डैश की वैल्यू मिल जाएगी वी नॉट अपॉन रूट 3। तो पहला आंसर तो यही आ गया। ये बताओ क्लियर है या नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें हम यूज करेंगे वाई डायरेक्शन में, कि वाई डायरेक्शन में
इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आया और इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आया. तो फॉर पार्टिकल वन, फॉर पार्टिकल वन अगर देखें तो पार्टिकल वन की y डायरेक्शन की वेलोसिटी, y डायरेक्शन मतलब ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इस डायरेक्शन को y डायरेक्शन बोल रहा हूँ और इस डायरेक्शन को x डायरेक्शन मैंने चेंज कर लिया है, ठीक है. तो अलोंग y डायरेक्शन पार्टिकल वन की इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट साइन 60 जो कि जीरो हो गई आफ्टर टाइम t. तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि जीरो इज इक्वल टू v नॉट साइन 60 एंड माइनस 80. तो a की वैल्यू होगी q1 e अपॉन m1 इंटू टी, ये इक्वेशन वन हो गया. और इसी तरह से लिखिए अगर फॉर पार्टिकल टू, तो पार्टिकल टू के लिए क्या हुआ, पार्टिकल टू की वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हुआ ही है, ठीक है ना. तो फाइनल वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो गया है, तो फाइनल वेलोसिटी बनेगी इसकी माइनस वी नॉट बाई रूट थ्री और साइन 30 एंड दिस इज इक्वल टू वी नॉट साइन 60 जो पहले थी और माइनस Q2 E upon M2 into T. तो ये इक्वेशन टू हो गया. तो इन दोनों से अगर हम टाइम एलिमिनेट करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ से कि Q2 by M2 जो बनेगा वो 4 by 3 times Q1 by M1 के इक्वल. तो ये सेकेंड आंसर आ जाएगा. देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है. कुछ डाउट है कहीं तो बताओ. कुछ डाउट है इसमें तो बताओ. सिंपल है प्रोजेक्टाइल मोशन ही, बट क्वेश्चन देने का थोड़ा तरीका अलग है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन देखने में अच्छा लग रहा है, अलग ही बन गया है थोड़ा सा. ठीक है, कोई डाउट नहीं. तो हम लोगों ने यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी कर लिया है, ठीक है. आगे इसमें बढ़ते हैं फिर इस चैप्टर में. देखो मैंने एक बात शुरू में ही बोली थी इस चैप्टर में कि हम लोग चार्ज पार्टिकल की बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो स्टडी कर रहे हैं. बेसिक प्रॉपर्टी यही है कि लाइक चार्जेस विल रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट. और सबसे पहले हमने इसको स्टडी किया इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, कूलम्स लॉ. और फिर हमने, तुम ध्यान से देखो, तो वही फोर्स को स्टडी किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में. मतलब फोर्स को हम के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर बोले अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, या फिर फोर्स को क्यू इंटू ई बोले. ये फोर्स सेम है, इसी फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्स लॉ, इनको मैं बोलता हूँ कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वैक्टर स्टडी है. मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो चार्ज प्रॉपर्टी है उसको वैक्टर फॉर्म में स्टडी करें तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो कूलम्स लॉ के फॉर्म में स्टडी करें या फिर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टडी करें. अब अगर हम उस स्टडी को, सेम प्रॉपर्टी को, अगर हम स्केलर फॉर्म में ले जाना चाहें तो हमारे पास अगला जो पॉइंट आएगा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, ये दो वर्ड आएंगे. जैसे है बिल्कुल सेम वैसे ही, जैसे तुम याद करो मैकेनिक्स जैसे तुमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले तुमने काइनेमेटिक्स पढ़ा. काइनेमेटिक्स में तुमने ये पढ़ा कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब में कैसे रिलेशन निकालना है. एक्सीलरेशन पता है तो वेलोसिटी में कैसे चेंज आएगा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैसे आएगा. फिर सेकंड चैप्टर तुमने पढ़ा लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन में हमने ये स्टडी किया था कि बॉडी के ऊपर जब फोर्सेज लग रहे हैं बहुत सारे, तो उन फोर्सेज की वजह से बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा. मतलब कि फोर्सेज से आया एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन से हुआ चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी से हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. ये पूरा का पूरा रास्ता है, स्टार्टिंग फोर्स से ही होगी. फिर हमारे जो थर्ड चैप्टर था दैट वाज वर्क एनर्जी पावर, उसमें हम लोगों ने एक शॉर्टकट पढ़ा. शॉर्टकट ये रहा कि वर्क एनर्जी पावर में हम लोग फोर्स से डायरेक्टली हम स्पीड पे पहुंच सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग एक्सीलरेशन, विदाउट इन्वॉल्विंग फ्री बॉडी डायग्राम.
तो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का फायदा यही था, एनर्जी का फायदा यही है कि अगर हमें कभी सिर्फ स्पीड चाहिए, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली फोर्स से वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके डायरेक्ट हम स्पीड पे पहुंच सकते हैं। तो वैसे ही समझ लो कि अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो कुछ ऐसा ही है, अब हम स्केलर क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे अगर हमें कभी एनर्जी कंजर्वेशन या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम में यूज करना हो तो हम फोर्सेस एफबीडी को इन्वॉल्व किए बिना डायरेक्टली हम एनर्जी में रिलेशन निकाल पाए स्टार्टिंग में और फाइनल में, ठीक है। अब इसको बोलते ऐसे हैं कि जैसे दो चार्जेस हैं, अगर हमने आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो दो चार्जेस जो आर डिस्टेंस पे हैं इनके बीच में रिपल्शन या अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, ठीक है, ये तो हो गई फोर्स की बात। अब इसको हम ऐसे बोलेंगे कि अगर एक चार्ज है और उस एक चार्ज के पास हम दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से सपोज, तो हमें लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगा रहे हैं ये उनके अगेंस्ट में कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जब हमने इनको आर डिस्टेंस पे फिक्स किया लाके तो हमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ी, कुछ वर्क डन करना पड़ा और वो वर्क डन उस सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हुए, दो पॉजिटिव चार्ज तुम पास लेके आए तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, अपने आप तो आएंगे नहीं, तो वो वर्क कहाँ गया, तो वो वर्क उस सिस्टम में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अगर तुम चार्जेस को रिलीज कर दोगे, छोड़ दोगे, तो वो वापस से दूर भागेंगे और जो वर्क डन था वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रीअपियर हो जाएगा। तो एनर्जी का बेनिफिट क्या है, आगे बढ़ते हैं इसमें, तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा इसमें, नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं और हम यू से डिनोट करेंगे, ठीक है, और इसमें हम लोग लिख सिंपल यही सक सकते हैं सीधे सीधे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन अरेंजिंग अ सिस्टम ऑफ अरेंजिंग अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक पॉइंट इसमें और ऐड कर देते हैं, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट के वर्क के फॉर्म में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं या फिर हम इसको कूलम्बिक फोर्स के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि जो कूलम्बिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और याद करो कंजर्वेटिव फोर्सेस जब भी नेगेटिव वर्क करेंगे तो उनका वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा सिंपली। तो हम डायरेक्ट ऐसे बोल भी सकते हैं कि सपोज अगर हमारे पास ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, सपोज दोनों मैंने प्लस ले लिए हैं और ये कितने डिस्टेंस पे हैं, आर डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का कहाँ ले रहे हैं, तो रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस। तो इसका मतलब u इक्वल टू जीरो है कब, व्हेन r टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो अब अगर r की वैल्यू r है तो u कितना होगा, तो देखो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लो, कौन सा, यूजिंग कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस du बाई dr बोलो, या फिर इसको ऐसे बोल दो du इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर। ये डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फोर्स और उसके पोटेंशियल एनर्जी में, रखो इसमें। अब कूलम्बिक फोर्स इस केस में कितना लगेगा, तो इस केस में जो कूलम्बिक फोर्स है अगर ये आर डिस्टेंस पे है तो ध्यान से देखो ये कूलम्बिक फोर्स होगा। तो किसी भी एक चार्ज के ऊपर एक्सप्रेशन अगर लिखें तो यहाँ से डी यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर इंटू डी आर, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट करने में ध्यान रखना, हम लोग आर इक्वल टू इन्फिनिटी से आर इक्वल टू आर इंटीग्रेट करेंगे. आर इक्वल टू इन्फिनिटी पे यू जीरो है और आर इक्वल टू आर पे यू का वैल्यू यू है. ठीक है, तो यहां से हमें यू की वैल्यू मिलेगी. देखो ध्यान से क्या आ रही है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज सिंपली के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर. देखो यहां तक मैंने जो भी बोला है उसमें कोई कंफ्यूजन है? बताओ पहले. यहां तक मैंने जो भी बोला है उसमें कोई कंफ्यूजन है? बताओ. कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए उसका पोटेंशियल एनर्जी भी है. रेफरेंस की बात ध्यान रखना कि रेफरेंस हम लोगों ने लिया ही वही है जब ये लार्ज डिस्टेंस से सेपरेटेड है. आर टेंडिंग टू इंफिनिटी पे यू इक्वल टू जीरो है. अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अभी तक हमने कहा था ना कि फोर्सेस पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो ये है ये पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जितना भी स्केलर कैलकुलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल वर्क डन, ठीक है ना, चेंज इन एनर्जी, डेल्टा यू, इन सभी जगह जहां भी हम चार्ज यूज करेंगे वो चार्ज हम ध्यान रखना विद साइन ही यूज करेंगे. क्यों विद साइन यूज कर रहे हैं? देखो जैसे दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्शन का फोर्स है, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी रिपल्शन का फोर्स है. मतलब अगर हम इनको पास लाएंगे, दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो, पास लाएंगे तो हमको पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव बनेगा. लेकिन सोचो कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा और हम इनको आर डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं तो तुम देखो तो दोनों में ऑलरेडी अट्रैक्टिव फोर्स है, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़े उसके लिए हमें फोर्स अपोजिट लगाना पड़ेगा. और जब हम अपोजिट फोर्स लगाएंगे, ये पास आ रहे हैं तो हमारा वर्क डन नेगेटिव होगा, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का नेगेटिव बनेगा. तो वो नेगेटिव कैसे आएगा? तो एक तरीका है कि अगर हम चार्जेस को विद साइन यूज कर ले तो नेगेटिव आ जाएगा. भाई क्यू वन क्यू टू में से एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए तो ये ओवरऑल के Q1 Q2 by R जो है वो नेगेटिव बन जाएगा. दोनों नेगेटिव हो जाए तो भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है. तो बस ध्यान ही रखना है कि जितनी भी स्केलर कैलकुलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल वर्क डन, सभी जगह Q हमेशा विद साइन ही यूज होगा. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्जेस इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ चार्जेस. इसी का एक दूसरा नाम भी है, हम इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ चार्जेस. चार्जेस आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. देन सेकेंड पॉइंट में इफ देर आर there are more than two point charges in the system, if there are more than two point charges in the system, then
टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी स्केलर सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज ड्यू टू ऑल पॉसिबल पेयर्स, मतलब जितने भी पेयर बनेंगे, ये जो एनर्जी लिखी हुई है ये एक पेयर के लिए है, तो अगर नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा है तो पेयर्स भी ज्यादा बनेंगे, तो उस केस में हर एक पेयर का जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा उसका हमें सम निकालना पड़ेगा। जैसे कि अगर नीचे लिखे इफ देर आर एंड पॉइंट चार्जेस, इफ देर आर एंड पॉइंट चार्जेस देन number of pairs will be, तो number of pairs n c2 बनेंगे, इसको हम लोग n n-1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि example ले लें, अगर suppose तीन charges हैं, ठीक है, एक हो गया let's say plus q1, ये हो गया minus q2 और ये हो गया प्लस Q3, इनके बीच का डिस्टेंस R12, इनके बीच का R23 और इनके बीच का R13। ध्यान रखना ये स्केलर है, तो इसमें कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हर पेयर के लिए हमें कैलकुलेट करना और फाइनली ऐड कर देना है। तो यहाँ पे तुम देखो कि तीन चार्जेस अगर हैं तो इसमें तीन पेयर बनेंगे, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखें तो देखो प्लस वाली प्लस में जाएगी, माइनस वाली माइनस में जाएगी, तो Q1 Q2 की माइनस में होगी, तो ये आएगी माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू, फिर क्यू टू क्यू थ्री की भी माइनस में है, तो माइनस के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री, और क्यू वन क्यू थ्री की प्लस में आएगी, तो ये बनेगी प्लस के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री। देखो तो ये पोटेंशियल एनर्जी बनेगी फॉर दीज थ्री पॉइंट चार्जेस, तीन है तो तीन, नंबर ऑफ पेयर भी तीन ही है, चार चार्जेस होंगे तो नंबर ऑफ पेयर छह हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे फिर, ठीक है। थर्ड पॉइंट में, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन चेंजिंग द सिस्टम ऑफ गिवन चार्जेस स्लोली का मतलब ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं है, तो उस डब्ल्यू एक्सटर्नल को हम लोग डायरेक्टली डेल्टा यू लिखेंगे, डेल्टा यू का मतलब है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, डब्ल्यू एक्सटर्नल इज डेल्टा यू इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। लेकिन अगर इसी में पूछा जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इन चेंजिंग द सिस्टम, सेम सिचुएशन में अगर वर्क डन बाय फील्ड पूछा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस डेल्टा यू, एंड माइनस डेल्टा यू इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ध्यान रखना कि ऊपर जो लिखा हुआ है एक्सटर्नल फोर्स के रिगार्डिंग उसमें स्लोली बोलना जरूरी है, लेकिन जो नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें स्लोली की कोई जरूरत नहीं है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज माइनस डेल्टा यू,
इरिस्पेक्टिव ऑफ कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है. लेकिन ऊपर वाला तभी वैलिड है ओनली व्हेन डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो. इसमें कंडीशन है. फिर मुझे बताना. कंजर्वेटिव फोर्स की तो डेफिनेशन ही यही होती है. कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन ही यही होती है. मैं तुमको एग्जाम्पल दे सकता हूँ ये दोनों स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए. मान लो कि स्मॉल एम मास है ग्राउंड पे रखा हुआ है और हम उसको वेरी स्लोली एच हाइट तक ले गए. एक स्मॉल एम ग्राउंड पे है, हमने ग्राउंड से उठाया और वेरी स्लोली एच हाइट तक ले गए. तो व्हाट इज वर्क डन बाय यू? तो वर्क डन बाय यू जो होगा वो mgh के इक्वल होगा. एंड व्हाट इज वर्क डन बाय mg? वर्क डन बाय mg माइनस mgh होगा. सेकंड केस में तुम इसी मास को ग्राउंड से उठाओ लेकिन इस बार थोड़ा एक्सीलरेट कराते हुए उठाओ जिससे कि एच हाइट तक उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाए. तो वर्क डन बाय यू जो होगा वो mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर होगा. लेकिन WMG जो होगा वो अभी भी माइनस MGH ही होगा. बोलो. तो एक्सटर्नल जो वर्क कर रहा है वो डेल्टा U और डेल्टा KE दोनों में जाता है. लेकिन जो कंजर्वेटिव फोर्स है दैट इज डेल्टा U माइनस डेल्टा U. ये तो डेफिनेशन है. स्टार्ट ही हमने यहीं से किया है. तो क्वेश्चन में जरूर ध्यान रखना कि पूछा क्या है. क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल रीजन या फाइंड वर्क डन बाय फील्ड, क्योंकि वो प्लस माइनस का फर्क आ जाएगा आंसर में. ठीक है. एक पॉइंट इसमें और है, फिफ्थ पॉइंट में. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. बाइंडिंग एनर्जी किसको बोल रहे हैं? तो देखो बाइंडिंग एनर्जी किसी भी सिस्टम का इन जनरल बाइंडिंग एनर्जी जब भी डिफाइन करना हो तो हम लोग यही बोलते हैं कि किसी भी सिस्टम को अगर हमें ब्रेक करना है इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक्सटर्नल एजेंट को तो दैट एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम. जैसे इलेक्ट्रॉन की तुमने एनर्जी पड़ी होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है तो उसको 13.6 देना पड़ेगा तभी वो एटम छोड़ेगा. यानी कि एटम और इलेक्ट्रॉन यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को अगर हमें अलग करना है ब्रेक करना है तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज 13.6. तो 13.6 उसका ग्राउंड स्टेट में बाइंडिंग एनर्जी हो गया. सिमिलरली यहाँ भी अगर दो चार्जेस हैं आर डिस्टेंस पे रखे हैं उनको हमें सेपरेट करके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना है तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. तो लिख इसको ये सकते हैं it is minimum energy required to separate charges of the system to infinite डिस्टेंस या डिस्टेंसेस. ठीक है ना. इनफाइनाइट डिस्टेंसेस. इनफाइनाइट डिस्टेंसेस को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं दैट इज यू फाइनल इज जीरो. चार्जेस को हमें सेपरेट करना है फाइनल एनर्जी जीरो हो जाए. अब देखो एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब कि डब्ल्यू एक्सटर्नल. तो बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल एंड डब्ल्यू एक्सटर्नल इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. बट यू फाइनल हियर इज जीरो. तो यहां से हमें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बोलने को हो जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी सिंपली माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. कोई भी सिस्टम का इस केस में पॉइंट चार्जेस के सिस्टम का जो भी एनर्जी होगा बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू.
ठीक है, तो नोट्स कॉपी कर लो यहाँ तक, बाकी फिर चलो इसके एप्लीकेशन हम कल देखते हैं, ठीक है ना।